भाजपा की गुटबाजी अब खुलकर सतह पर आ गई है। क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्वनी त्यागी पहली बार मुरादाबाद आए तो गुटबाजी का बम उनके सामने फटा। पंचायत भवन में नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कुछ लोगों पर निशाना लगाकर भड़ास निकाली तो अध्यक्ष ने उनको नसीहत दी। दूसरी ओर सांसद के होली मिलन में संगठन के ज्यादातर लोग नहीं पहुंचे। मुरादाबाद में गुटबाजी पुरानी है पर भाजपा के सत्ता में आने के बाद ये और ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ सीधा सीधा पाला खींचा दिखाई दिया है। एक ओर मंत्री भूपेंद्र सिंह और रितेश गुप्ता का गुट, दूसरी ओर सांसद सर्वेश सिंह और मेयर का गुट। क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्वनी त्यागी जब मुरादाबाद पहुंचे तो पहले उन्होंने गुटबाजी को खारिज कर दिया, बाद में पंचायत भवन में खुलेआम हमला बोला। विधायक रितेश गुप्ता ने मंच से कहा कि जिन लोगों ने मेरे चुनाव में शिवसेना को लड़ाया वहीं अब आपके स्वागत में होर्डिंग लगाए गए हैं। ये वही लोग हैं जो मुझे नहीं भाजपा को हराने में लगे थे। इन लोगों को पार्टी की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस भी जारी किया गया। विधायक ने ये भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव जीतते हैं तो उसे परिवार की देन बताते हैं, पर मैं तो कार्यकर्ता की बदौलत जीता हूँ। बहुत लोगों ने आपका स्वागत अध्यक्ष बनने के बाद भी किया, मुरादाबाद के बहुत लोग उसमें शामिल थे, लेकिन एक बात का मेरे को कष्ट है कि वो लोग सब ऐसे लोग थे, ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने विधानसभा में नगर की सीट पे खुलेआम विरोध किया। 2017 के चुनाव में जब चुनाव हुआ, डीके सैनी को खड़ा किया, उसके बस्ते लगवाए, रितेश गुप्ता नहीं हारता, अगर हारता तो भाजपा हारती, संगठन हारता। ये वो संगठन है जिनकी वेत में विधायक बन के आया, ये वो कार्यकर्ता है जिन्होंने वापस लाठी खाई, लोगों ने लाठी खाई, पुलिस ने अत्याचार किया, इनकी वेत में विधायक बना। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग हमारे नेता ऐसे हैं कि अपनी जीत का श्रेय अपने परिवार के सदस्यों को देते हैं। बहुत दुख उस समय होता है जो अखबार का छपता है। कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। आप अध्यक्ष बने हैं, मेरे को पूरी आशा है कि आपके निर्देशन में, आपके संरक्षण में हम लोगों का सम्मान बचेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। हालांकि कुछ कड़वी बातें मैंने कही होंगी, हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन जो सच्चाई थी वो मैं बताना चाहता था, क्योंकि हमारा परिवार यहां बैठा हुआ है। निर्णय किए गए कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, आज हम यहाँ हैं, कल को वहां होंगे, आप कल सामने कल ऊपर होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है, जो भी व्यक्ति है संकल्प स्वयं सेवक है। अगर किसी के मन में भी कोई भी मन में कमी है, कोई पीड़ा, बैठ के उसको माननीय अध्यक्ष जी बैठ के उस फोरम पे नहीं उठाए, और हम संगठन के सब कार्यकर्ता जो छोटे मोटे कार्यकर्ता होते हैं वो बीच में बड़े लोगों के साथ मिलके अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। मेरा केवल अध्यक्ष जी से प्रथम आगमन पे इस मंच के माध्यम से कहना है कि जो भी कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी कमी हो उसको आप निष्पक्ष रूप से उसको दूर करेंगे। इस हमले से हतप्रभ क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बाद में मंच से नसीहत दी, कहा इन बातों के लिए ये मंच उचित नहीं, इस तरह की बातें दोबारा नहीं होनी चाहिए। भाजपा में अपनी बात कहने की आजादी है, भाजपा में गुटबाजी जिस तरह चरम पर है वो सारा सीन क्षेत्रीय अध्यक्ष के सामने आ गया। वहां मौजूद लोग भी हैरत में आ गए। कुल मिलाकर गुटबाजी का बम ऐसा फूटा कि इसका शोर दूर तक पहुंचा। मैं भी कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि रहेगा। ये पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री चाहते हैं कि पार्टी के पदाधिकारी पार्टी के अध्यक्ष संचालित करें, वो ऐसी संचालित होगी। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, ये पहला कार्यक्रम है, दो लोगों ने जो बात सार्वजनिक रूप से रखी जो उचित फोरम पर होनी चाहिए थी, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आगे चलकर के सावधानी बरतें। मेरे क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूं, मैं वो मेरे पे भी लागू होती है, वो बात किसी मंडल अध्यक्ष पे भी लागू होती है। एक पार्टी में व्यवस्था है कि उचित बात उचित फोरम पर रखना, ये हम लोगों का सब नैतिक कर्तव्य भी है। अभी यहां कहीं के पूर्ववक्ताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता, अभी किसी पूर्व
वक्ता ने राष्ट्रपति जी की भी चर्चा करी। मुझे लगता है कि कुछ दो तीन कार्यकर्ता बड़े चिंतित है कार्यकर्ताओं के सम्मान पर खतरा है, लेकिन मैं सब कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं आश्वस्त कर दूं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ता हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, उनकी चलेगी किसी जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, किसी की नहीं चलेगी। जो व्यक्ति उस एजेंडे पे चलेगा, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष नाते मैं उसके साथ खड़ा हूं, लेकिन जो व्यक्ति उस एजेंडे के बाहर होगा वो पार्टी के एजेंडे में फिट नहीं होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं।